जैसे पूरे देश में हर घर तिरंगा और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, उसी तरह से मलाड और मालोनी इस क्षेत्र में भी हम लोग ने तिरंगा यात्रा जो निकाली मालोनी अम्बोजवाड़ी से लेकर मलाड तक जाएगी और वापस यहाँ पर फायर ब्रिगेड जो हमारे वहाँ तक आएगी, जिसमें कि तरुण कार्यकर्ता जो है हमारे वो बाइक पर, रिक्शा में और गाड़ी के साथ में इस तिरंगा रैली में चलेंगे। तो यहाँ की जनता भी क्या इस रैली में शामिल होगी? हाँ, यहाँ के हर घर के लोग इस रैली में शामिल हैं, चाहे जो भी है इसमें सब शामिल है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तिरंगे की शान सबको प्यारी है और सभी भारत का नागरिक, सभी यहाँ के रहवासी जो है वो भी इसमें शामिल है। जिस तरह से आज पूरे देश में तिरंगा झंडा लहरा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से इस आह्वान पर, क्या लगता है मालवनी में विजय जी की मदद से किस प्रकार इस बार आने वाले चुनाव में बीजेपी का भी झंडा लहराएगा? बीजेपी का झंडा तो लहरा ही रहा है हर जगह, लेकिन इस समय हम लोग खाली और खाली तिरंगे के लहरे के झंडे के लिए तत्पर है। और तिरंगा जो हमारे जैसे ही हमारे हाथ में आता है, आप देखते हो कि अभी तक क्या था कि तिरंगा हर कोई लहरा नहीं सकता था, आज जो है हर कोई तिरंगा लहरा सकता है। जैसे ही हम लोग तिरंगा अपने हाथ में लेते हैं वैसे एक ऊर्जा का संचार होता है और उस ऊर्जा के संचार से हमारे मन में ऐसी भावना पैदा होती है कि इस तिरंगा को हम विश्व के शिखर पर लहराएं, ऐसी भावना सभी के मन में पैदा होती है। आप भी अगर तिरंगा को हाथ में लेंगे तो आपके मन में आएगा कि इसको सबसे ऊपर लहराया जाए। आज एक भारत भारत माता की, भारत माता की, मेरा नेता कैसा हो? आज इस रैली में सर कितने लोग शामिल हो रहे हैं आपके? हमारा नेता कैसा हो? हजार के आसपास बाइक और रिक्शा की रैली का यह आयोजन है। रैली कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ये यहाँ से मतलब अम्बोजवाड़ी से लेकर मलाड एसबी रोड तक जाएगी और वहाँ से फिर वापस मलाड फायर स्टेशन तक जाके उसका समारोह होगा। कांग्रेस अध्यक्ष बता रहे कि बीजेपी आजादी का उत्सव नहीं मना रही है बल्कि वो तो एक इवेंट मना रही है। देखिए, हर नागरिक, हर भारत का हर नागरिक चाहता है कि उसका तिरंगा उसके हाथ में रहे, उसके तिरंगे की शान उसकी रक्षा करे। कांग्रेस से नहीं चाहती है तो कांग्रेस का मेंटालिटी का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं।